इन्हें समाज दोता इन्हें लोड चंग के समाज में टूटा रखने दे पारी मजा ले बिस्तर 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 है जी किन्नौर औरों को बोरा मारा मारा मैं से मेरी खुद की फटी पड़ी हुई है के बोलने था से ना बोलना ना क्या थोड़ा सा What is your name? My name is Dibyan Khanal. Hami, Kalika Mandir Asam. Kamare Badini, Esteme Zabazena Kai, Gurti Kukuri, Lavre Kamarma. Hello everyone, good morning. So, कैसे हो आप लोग? Hope कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. और background में बहुत गंदा से साउंड आ रहा है. जैसे मैंने vlogging starting की ना, वैसे side से एक बहुत गंदा सा साउंड आ रहा है. चलो बंद हो गया. तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है डायरेक्ट सुरखेत बाज़ार से हमारी. और अभी जा रहे हैं हम बाज़ार की साइड मम्मी वगैरह को लेके. कल तो जैसे घर पहुंचा मैं, वीडियो मैंने अपलोड पे लगा दिया, उसके बाद तुरंत सो गया था भाई. अभी धूप ना लगी, लेवल की धूप लग गया तगड़ी. और मैंने तो हाफ शर्ट पहना हुआ है. और मैं प्लेन दिखाता हूँ आपको, प्लेन आने वाला है. आवाज़ तो आ रही है वैसे भी. कहाँ से छोटा सा जा रहा है अभी, जस्ट उड़ी रहा है. सब कैमरे में नहीं दिख रहा होगा. तो बस ऐसे चलते पहले बाजार, और मम्मी वगैरह घुमा लेते हैं आज बुलबुल ताल की तरफ. सीलिया सही रे, भोली तो कहीं तो भोली बहन जो कि साँझ बहन जो भोली बिहान नहीं आने वाला है भाई. बिहान नहीं भाई, बिहान फिर हम जाने ढिलो हो कि फर्किने बेला नाटो पनि हुन्छ. तो यहाँ पे जो है ना कपड़ा दिया था सिलाई करने के लिए. मैंने लाया था ना छोटी मम्मी के लिए गिफ्ट, तो सिलाई के लिए दे रहे थे. पर मैं कपड़ा कपड़ा पूरा एक ही ऐसे ही है वो दिया था. तो चलते ऑटो में बैठते हैं और निकलते हैं. यहाँ से दीदी वेट कर रहे वैसे भी. जम जम छिटो छिटो बुलाओ तो तो बैठ गए ऑटो में. अब निकलते हैं यहाँ से बाजार की तरफ घूमने. वैसे तो मैं तो घूम घूम के वैसे भी परेशान हो गया हूँ. बहुत घूम गया उसके खेत में, वैसे भी हर जगह तो घूम गया. तब मम्मी मेरे साथ ही घूमूंगा. तो बीच में फूल लगाए ना हजार ही फूल मेरे यहाँ का, ये और आने वाला है उसके लिए. काफ़ी बढ़िया लग रहा है वैसे भी. साउंड तो वैसे मैंने आ नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट की साउंड आ रही होगी. मैंने माइक लिया नहीं इसका, बोला कैसे ऐसे बना लूँगा, बट बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है. तो पहले जाते हैं, पर दीदी के पास जाके मिलता हूँ. तो गाइस पहुंच चुके हैं हम बुलबुल ताल. जम जम खड़े एक चीज हट ना बनाता पहले बाइक को टिकट बनी है ना. बाइक को टिकट बनने पहले जो टिकट अंदर होता था, अब हो रहा है भारी पर भी अच्छा है. पहले ना लोहर कैसे घुसते थे. तो फाइनल दीदी से मिल गया हम लोग यहाँ पे. और किने देखी वेट करना लाइन होती क्या है ना. हाँ पति वेट करना पड़े गए चो मैं वाले आज तो ही कर देते हैं. अच्छा कर देते हैं गए चो कर लेना. तो अभी जा रहे हम लोग बुलबुल तार की तरफ. वहाँ पे सुनने में बोटिंग वगैरह बोटिंग भैर रहा. हाँ भैरको रहे तो मत धेरे बना. अब अहिले आएको बेलामा अहिले मम्मीले गरम भनेर तेरे भेना उलाई मम्मी त बस्न सक्दैन होला डुब्ला त. कैसा लगा मेरा मजाक? इस मोटो मंचल कहाँ बन गया लाने? अलग ही यूटे रिजर्व कर दिन पड़ता. तो कुछ इस तरह से यहाँ का रास्ता बुलबुल ताल का बहुत फेमस है यहाँ का ना. मतलब सबसे मेन पार्क है सुरखेत का. तो बहुत लंबा जान चलने के लिए बहुत ज़्यादा आगे तक चलते हैं. मौसम आ तू बाबू ले फूल फूल रामे जो चढ़ता. तो यार मैं ना सो के बहुत लेट हुआ था. टाइम देखो 1:30 बज चुके हैं. थोड़ा बहुत घूम लेते हैं उसके बाद बाजार की ओर निकलेंगे. थोड़ा खुले पैसे ही नहीं मेरे पास जेब में, और टिकट के लिए 10-20 रुपये होता हर जगह. तो आगे जाके कराना पड़ेगा. मतलब छोटे मोटे पैसे ना जेब में रहना बहुत ज़रूरी है. 1000 का 500 का नोट पे ना थोड़ा दिक्कत भी होता है. और चश्मा लाना भूल गया मैं अभी. सनलाइट जो बिल्कुल फेस में लग रहा है.
हिनम छिटो छिटो। तो पहुंच चुके हम लोग यहाँ बुलबुल ताल के अंदर, मतलब ताल में नहीं पहुंचे, थोड़ा सा अंदर आया। नेपाल में तो वैसे वैसे ही सीन होता है। यहाँ पे मतलब कि फोटो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, DSLR वगैरह मिलते रहते हैं यहाँ पे फोटो खींचने के लिए। तो भाई कितना अच्छा व्यू है यहाँ से जाने लगा। यहाँ पर राम रो बना रहे कि ना के बोल पूरा गरी राछ के छ के बोल बोल आइ गन्छ हामी पूरा गरी राखम त भन्दो न मामासँग भान्जाले भान्जा फेरि मसँग डराको हैन हो गन्छ मामासँग डराको डराउन रे तेरो घाटी पे फटे किन लगाइज होला है होला के कारण के कारण हुन सक्छ यो उसको लागि हो त्यसको लागि राति मेरो रोडमा हिँच्छन् नि हैन त्यस किन गाडी गाडीले टाढाबाट देखिन्छ के रिफ्लेक्सनको लागि जस्तो इन्डिया भर्खर भर्खर चलेको छ नेपालमा धेरै पहिला रहेछ फोटोको कति हो त भाइ फोटोको 20 रुपियाँ हो 20 रुपियाँ अब धेरै खिच्यो भने मिलाइदिन्छ नि त्यस्तो केही छैन मतलब टोपी हो न सर्ट म्याच गरेर पुलिसवालै त नि लगेर हामी कता कता हरायो फेरि हेर न यार कितना बढ़िया बन गया भाई जब पहले आया था तो उस टाइम कुछ था भी नहीं यहाँ पे और अभी तो कुछ बढ़िया हो गया है मैं सोच रहा हूँ टिकट तो आगे जाते पर टिकट वगैरह पूछते क्या से रेडी टिकट का कौन सी जान चार जाना नहीं हमें टिकट कौन सा रही हो वोटिंग को 200 रुपये चार जाना कर दूँ बच्चा को भी नहीं हो काठम बच्चा अंतर बचा था तो क्या टिकट वगैरह हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एक बंदे का 200 रुपये पहले 250 था शायद उसके बाद 200 रुपये बना दिए तो पिछले बार आया था उसके अंदर बन ही रहा था इस बार तो बन के रेडी हो गया और यहाँ सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं पूरा पालों को वेट करना पड़ता क्या है ना तो लगाया भाई पानी में फंसे को निकाल से फिर साँचे हो गया चक्कर आँच कस्तर घुमा भाई स्पीडिया लग गया बल्कि यहाँ पे तो डर भी लग रहा है पता नहीं क्यों यार पहली बार बैठा हूँ कहीं चक्कर ना लग गए नहीं डर तो लगते है नानी बस को मौत अस्ति ना डर लगते हो लगे थे ना चार जम अब बिस्तार हिड़ पानी जम जम जिसमें चक्कर लगते रहे हिल सो तो गाइस रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और मम्मी बहरे चलेगी आगे हाँ लो लो यार ये चक्कर लगता है सब है ना होता है ना लो तो रुको जरा सबर करो लो इन्हें समाज दो ना इन्हें लोड चल के समाज दो टूटा रखने के पारी मजा ले बीस तारी है जी गिरने वाला औरों को बोरा मारा मारा वैसे मेरी खुद की फटी पड़ी हुई है चलो चलो जम जम मैं यहाँ बस हूँ थोड़ा बहुत चक्कर तो लग रहा है बट मजे भी है उड़ लाओ भाई उड़ लाओ तो पूरी फैमिली आ चुकी है हमारी यहाँ पे लास्ट में बस लूँगा वोटिंग आया वो मजा रमाइलो क्यों करो
एउटा मजा आ गया भाई बिल्कुल बाबूले तो डरे लागे ना नो बाबू मेरे छोरे तो डरे मजा आयो डरे बानी तो गाइस बॉन्डिंग कंचे कंप्लीट होने हमें ना 4 राउंड लगते और राउंड हो चुका भी कंप्लीट तो उतरते यहां से बाहर झर्दै राम्रोसँग झर्नु है जाऊ आइ जाऊ मम्मी एकछिन है दुई बहिनीले राम्रोसँग खिच ब्यूटीफुल समात्नु के हुन्न थोडा सम्झाउन पर्छ ल थोडा बढ्नु त अनकम्फर्टेबल हो जाते चलो साफ गर्न त वोटिङ गर्के न थोडा सा ब्यूटी बोला थोडा चक्कर जस्तो गरे मेरो किन दिखाना पड रहा है किन जो कुछ नहीं हुआ सिर्फ थोडा घुम रहा है मेरा ये आपसी बात है आपके बारे में अगड़ी ना बांधु नी इसमें पड़ी को फोटो हाँ कैमरा में अगड़ी को फोटो हाँ पड़ी बांध हाँ रात हम लोग फोटोशूट मामा जाम आइज भिडियो बना मामा तो गाइस बुलबुल ताल से तो आगे हम लोग खेल के है ना मामा भांजा ड्यूटी नहीं अभी जा रहे हम कुछ खाने के लिए यहाँ पे फेमस यहाँ फेमस हो नहीं बाबू अभी पता कि मोमोज वगैरह बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे मैं बहुत पहले आया था तो अभी भी मैं यहीं पे आया हूँ तो यहाँ पे चलते हैं अंदर कुछ खा पी लेते हैं भाई बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बस यहाँ पर समय चो बस यहाँ पर यहाँ तिमी यहाँ बस ना ताइज आ ना भि उता 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 एक छीन एक छीन पता नहीं चलता ना बुजुर्गों को तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्या खाने मम्मी भला अब तो गाइस आ चुका है हमारा यहाँ पे बिरयानी अभी झोल मोमोज पहले यहाँ पे था नहीं तो अभी हम बिरयानी से काम चला रहे हैं तो पहले बिरयानी खाते हैं उसके बाद बाबू लिखा ना खाओ ना सुरखेत का मेन बाजार जो है ना यही है बस यहाँ से ऊपर से स्टार्ट है और नीचे तक मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट है बस तो मैं एक्सप्लोर कर नहीं पाऊंगा दिखा भी नहीं पाऊंगा मम्मी फिर तो चले गए घर यहाँ से और दीदी भी चले गए अपने घर गोपुर में बैटरी हो चुकी है ख़त्म तो मैं फोन से ब्लॉग बना रहा हूँ इसमें ना एक गंदा सा साउंड आता है कैमरे से तो थोड़ा इग्नोर कर देना आप लोगों ने तो गाइस घूमते घूमते ना रात ही हो गया मेरे को पसल बोलते नेपाल में ना वो याद भर गई हैं जिस शॉप में मैं जा रहा था कपड़े वगैरह के लिए वो यहाँ पे है ना यहाँ पे फेमस मार्केट था हांगकॉन्ग बाज़ार के नाम से वहाँ एक से एक आइटम मिलते थे कपड़ों के और वो बाज़ार ना वहाँ से जो है गवर्नमेंट ने उठा दिया क्योंकि सरकारी जगह में बना हुआ था तब सब लोग ना वहाँ से चले गए कल आऊँगा दिन के टाइम यहाँ पे दिन के टाइम तो मैं ढूंढ ही लूँगा कहीं ना कहीं तो लैसो गाइस निकलते घर की ओर इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ही पेंड और दिखाने की कुछ है नहीं रात ही बहुत ज़्यादा हो गई है जो भी होगा कल ही होगा तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ होप कि आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना तो मिलते हैं और नए मस्त ब्लॉग में तब तक बाय गाइस।